नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत करता हूं आपको एस एस अपडेट्स इंडिया में। हर रोज़ हम यहां अपडेट्स लेकर आते हैं रिलेटेड टू डिफेंस, स्पेस, साइंस एंड इनोवेशन। चलिए देर ना करते हुए आज के अपडेट्स शुरू करते हैं। हमारा पहला अपडेट आज रिपब्लिक डे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को लेकर है। हम यहाँ पर सिर्फ वार टाइम सिनेरियो में जो अवार्ड जीती जाती है, दिया जाता है हमारा डिफेंस में, उसके ऊपर बात करेंगे। पहला हमारा है महावीर चक्र। महावीर चक्र प्राप्त किए हुए हैं कर्नल संतोष बाबू। दूसरा हमारा है वीर चक्र। वीर चक्र चार जन को मिला है। पहला है हमारा नायब सूबेदार एन सोरेन। दूसरे हैं हवलदार तेजिंदर सिंह। तीसरे हैं नायक दीपक सिंह। चौथा है हमारा सिपाही गुरतेज सिंह। ये पांचों हमारा जो जवान है अपना जान गंवाए थे जब पिछले साल डोकलाम में चाइना के साथ झड़प हुआ था। ये पांचों को हमारा दिल से सलाम। लेकिन खबर ये आ रहा है कि जो पिता हैं संतोष बाबू के, वो खुश नहीं हैं इस अवार्ड से। उनको लगता है कि संतोष बाबू ने जो वीरता प्रदर्शन की है उसके हिसाब से उनको और थोड़ा बेहतर अवार्ड मिल सकता था, जो कि हो सकता है परमवीर चक्र। हमको नहीं पता, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है। इस अवार्ड से वो खुश नहीं हैं ये तो उन्होंने बताया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट किस तरह अवार्ड दिया है ये उनको पता है। चलिए हम इस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि ये अवार्ड सही है या कुछ ज़्यादा मिल सकता था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा दूसरा अपडेट जो फाइटर जेट की डील हुई है ग्रीस और फ्रांस के बीच, उसके ऊपर है। यहाँ पर 2.8 बिलियन यूएस डॉलर की डील हुई है राफेल जेट को लेके। ग्रीस ने फ्रांस से टोटल 18 राफेल जेट खरीदने वाला है, जिसमें 12 ओल्ड दैट मीन्स यूज्ड वन है एंड 6 न्यू। 6 न्यू में वो F4 और F3 है। F3 वेरिएंट है उसका कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन टोटल 18 फाइटर जेट खरीदा जाएगा। ग्रीस फ्रांस से खरीदेगा। हम बता दें कि ग्रीस की तुर्की के साथ कुछ दिन से लड़ाई चल रहा है एजियन सी की बाउंड्री को लेके है, अंडे ईस्ट मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री को लेके है भी। इस लड़ाई के मद्देनज़र रखते हुए ग्रीस ने फ्रांस के साथ 18 राफेल फाइटर की डील की है। अरे अच्छा डील है, हमको नहीं लगता कि ये डील में कुछ खराबी है। जो 12 ओल्ड वर्सन का राफेल फाइटर वो खरीदेगा ग्रीस, वो खराब तो नहीं होंगे, लेकिन वो काबिल होंगे कि तुर्की की जो फाइटर है उनके हिसाब से उनको काउंटर अटैक करने के लिए। लगता है कि ये 12 जो ओल्ड वन ग्रीस खरीद रहा है कुछ दिक्कत है इसमें, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट जो हम लास्ट दो वीडियो में बताए थे, जो दुखद घटना ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में, उसके ऊपर है। एक पायलट के देहांत हो गया था उस टाइम, लेकिन जो पायलट क्रिटिकल जो इंजर हुए थे वो क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। उनका नाम कैप्टन अंजनी कुमार सिंह है, और जिनका देहांत हुआ था उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और उनका मर शरीर वहाँ भेज दिया जाएगा। ये दोनों को हमारा तहे दिल से सैल्यूट है। हमारा लास्ट अपडेट इसरो को लेके है। इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च करने वाला है फरवरी 28 इसी साल, जो कि ओनली डेडिकेटेड टू प्राइवेट सैटेलाइट होगा। ओके, तो इतना ही था हमारा अपडेट फॉर टुडे। हमारा नेक्स्ट अपडेट यूएस एंड सऊदी अरब को लेके है। यूएस ने अपनी एयरफोर्स एंड नेवी के बेस सऊदी अरब में बनाया है। दुबेक जो कि सऊदी अरब में आता है वहाँ पर अपनी एयरफोर्स बेस बनाया है यूएस एंड तैफ जो कि रेड सी में आता है, जहाँ पर यूएस नेवी ने अपनी बेस बनाया है। दोनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बता दें कि 2019 में सऊदी अरब की ऑयल रिजर्व के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें सऊदी अरब ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन ईरान ने उसको इनकार कर दिया था। लेकिन जो भी है, लेकिन अटैक हुआ था, इसीलिए शायद यूएस ने अपना
मिलिट्री बेस वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है, और वहाँ पर सारे टेस्ट हो चुके हैं, और वहाँ पर जो फैसिलिटी मिल रहा है US डिफेंस को वो सही है, एवं और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, और आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को SS अपडेट्स इंडिया को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।